वेलकम टू दी अंजलि अरोरा टॉक शो। स्वागत है आप सबका दिवाली स्पेशल एपिसोड में। जी हाँ, आज हमारा दिवाली स्पेशल एपिसोड पार्ट टू है, जहां हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए हैं मिस्टर रवि शेखर जी, जो कि फुल ऑफ लाइफ है। मीन्स आप जब उन्हें उनसे जब आप सुनेंगे उनकी बातें, तो पूरे जिंदा दिल इंसान है वो, और हर दिन को पूरी तरह से जीने में बिलीव करते हैं। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें, और उनको बुलाने से पहले देखेंगे उनकी स्टोरी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है मिस्टर रवि शेखर जी, जो एक थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, फोटोग्राफर भी रह चुके हैं, और इवन ये पेंटिंग भी करते हैं। तो इनसे बात करना बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि शेखर जी, द अंजलि अरोरा टॉक शो में। जी थैंक यू, शुक्रिया सर। मैं बताना चाहूंगी, ये हमारा दिवाली स्पेशल एपिसोड है, तो मैं चाहूंगी कि जैसे होता है ना कि जब तक ये हमारा शो टेलीकास्ट होने वाला होगा तो ऑलरेडी दिवाली वीक ही चल रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आज हमारी ऑडियंस को दिवाली की विशेष अगर दे दें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ ठीक है। नमस्कार अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में बुलाया, और वो भी इस दिवाली के मौके पे, क्योंकि दिवाली जो है हम हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत खास मौका होता है, गेट टुगेदर का, आपस में मिलने जुलने का और जीवन को सेलिब्रेट करने का, उसको इसका उत्सव मनाने का। और इस बार लग रहा है कि आपके शो में आके जो है मैं एक बड़े उत्सव का हिस्सा बना हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच। एंड इवन मैं आपसे कहूंगी कि ये जो आपने कहा कि हाँ दिवाली जो है हम हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, तो सर सेलिब्रेशन वैसे भी कोरोना के बाद शायद इस बार की दिवाली कुछ अलग ही लेवल पर जाएगी। सर मैं आपसे आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे शो की टैग लाइन है वो है अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी, तो आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे कि आपका अनुभव है, आप क्या कहेंगे पैशन क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये अंजलि जी, और मुझे यकीन है कि कलाकारों ने जिनका जिनसे आपने बातचीत की है अपने इस चैनल पे, और उन लोगों ने इसका बहुत अलग अलग जवाब दिया होगा। और मेरे हिसाब से जिंदगी पैशन है, पैशन का मतलब यू आर फुल ऑफ लाइफ। अब उस पैशन को आप किस दिशा में लेके जाते हैं ये बहुत सोशल है। हो सकता है अगर हम आज से 200-500 साल पहले पैदा होते तो हमारा कुछ पैशन और होता, लेकिन आज हम पैदा हुए हैं, हमारे पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, नेटफ्लिक्स है, OTT है, तमाम चीजें हैं,
तो हमारे पैशन अलग हो सकते हैं। तो मैं पैशन को इस रीजन ओरिएंटेड नहीं देखता हूं कि किस चीज के प्रति आप पैशनेट हैं, बल्कि मुझे ये लगता है कि अगर आप जीवित हैं, आप ऊर्जावान हैं, आप फुल ऑफ एनर्जी हैं, तो आप जो भी काम करना चाहेंगे वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और किसी एक काम के प्रति पैशन होना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि करियर के शुरू से और अभी तक मेरे रास्ते लगातार बदलते रहे हैं। जैसे मैंने थिएटर से शुरुआत की और थिएटर करते करते आज जो है मैं खुद फिल्में बनाने लगा। टॉक शो तो नहीं मैं करता हूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा जो है पॉडकास्ट है जो बहुत इरेगुलर है। तो इस तरह से मैं ये देखता हूं कि अभी टेक्नोलॉजी ने मौका दिया है हम लोगों को इतना सब कुछ करने का, और ये टेक्नोलॉजी और ये जो स्पैन ऑफ टाइम में हम लोग जी रहे हैं, ये उसी का जो है एक मैं कहता हूँ वरदान है हम लोगों के लिए कि हम लोग इस तरह से अपने अपने घर में बैठ के इस तरह से बातचीत कर पा रहे हैं। और आप इस चीज को लिए को लेके कितनी भी पैशनेट क्यों ना रही हो, अगर टेक्नोलॉजी का ये सपोर्ट नहीं होता तो अंजलि अरोड़ा टॉक शो भी नहीं होता। तो जो पैशन है वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। पैशन सिर्फ इस बात का नहीं होता है कि मैं पेंटिंग करूं, मैं फिल्म बनाऊं, मैं एक्टिंग करूं, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और लेकिन जो भी मौका है उसमें कितने इंटेलिजेंटली आप जो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो है कितने ऊर्जावान हैं, आप कितने अलाइव हैं, आप सही में जी रहे हैं या आप जो है किस्तों में जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी पैशन की परिभाषा ये होगी। कल को हो सकता है मैं कुछ और करने लगूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं इसी चीज को लेके पैशनेट हूं, मैं पैशनेट हूं लाइफ को लेके, ऐसा मुझे लगता है। आपके कहने का मतलब है जो हमारे लाइफ लेवल्स आते रहते हैं, जो स्टेजेस चेंज होती रहती है, उस हिसाब से हमारे पैशंस भी चेंज होते हैं। नहीं, लाइफ लेवल की बात नहीं है, मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलाइवनेस की बात कर रहा हूँ कि आप कितने एनर्जेटिक हैं। आप कितने एनर्जेटिक है, अगर आप फुल ऑफ एनर्जी है, आपकी तबीयत बहुत अच्छी है, आप स्वस्थ हैं, तो आप जो है पहाड़ चढ़ने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप पहाड़ चढ़ने के प्रति पैशनेट नहीं हो सकते, आपको कितना भी पैशन हो आप पहाड़ चढ़ने नहीं जा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो जीवन ऊर्जा है, जो आपकी का एनर्जी लेवल है, जो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, आपका एनर्जी लेवल ज्यादा हो, आप अपनी चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अभी आपको जो है सो के उठना है तो क्या आप पैशनेटली सो के उठते हैं, क्या आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छी बात है, चलो एक नया दिन आया, आज का दिन कुछ देखते हैं, कुछ नया करेंगे। तो वो पैशनेट होना जो है बिल्कुल अलग गेम है, और पैशनेट व्यक्ति जो है जो भी करेगा उसमें पूरी ऊर्जा से करेगा और उसका बहुत मजा लेगा। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं है कि हम जो है कुछ करेंगे तो हमें मजा आएगा, बल्कि मुझे मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव कहता है कि आपको पहले मजा लेना है और उसके बाद मजे ले लेके जो आप करते हैं वो आपका पैसा। क्या बात है सर, और ये आपने सही कहा कि मेरे हर एपिसोड में हर किसी ने इसके एक अलग ही परिभाषा दी है, और इवन दिस इज द 66th एपिसोड, लेकिन सबने इतना मतलब 66 पॉइंट ऑफ व्यूज मुझे मिले होंगे पैशन को लेकर। तो इससे साबित होता है कि जो हमारी सोच होती है बहुत निर्भर करती है इस तरह से कि हम किसी चीज को किस तरह से देखते हैं। तो बिल्कुल, सर, बिल्कुल जी। सर, आपका पैशन क्या रहा है? आप जैसे आप फोटोग्राफी भी करते हैं, आप आर्टिस्ट भी हैं, इवन आप कह रहे हैं कि आपने थिएटर से स्टार्ट किया, तो ये थोड़ी सी जर्नी में अगर आप हमें फ्लैश बैक में सुनाना चाहे कि किस तरह से ये शुरुआत हुई थी। अंजलि जी, क्या होता है कि हम जैसे एटमॉस्फेयर में जीते हैं, रहते हैं, उस तरह का पैशन जो है डेवलप होता है। तो जब हम बड़े हो रहे थे तो बनारस शहर में, मैं बनारस का रहने वाला हूं, और एक जो ये होता है कि उस वक्त आपको क्या अट्रैक्ट करता है, तो थिएटर हमको अट्रैक्ट करता था, क्योंकि उस वक्त जो है थिएटर देखने को मिलता था। हमारे एक स्कूल के सर थे श्री गणेश प्रसाद सिंह, वो खुद थिएटर करते थे बाहर सिटी में, मतलब स्कूल में जो बच्चों के नाटक भी वही करवाते थे, और वो शहर में खुद भी बड़ों के साथ थिएटर करते थे।
तो मेरा उनसे जो है, मैंने उनके साथ स्कूल में उन्होंने जो प्ले किए उसमें तो काम किया ही, लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं उनके पास गया कि सर मुझे बाहर भी आपके साथ प्ले करना है। तो उन्होंने मौका दिया, वो जो थिएटर कर रहे थे उसमें मैं जाने लगा रिहर्सल में, तो वो उसमें मतलब एक बड़ा मजा आता था कि आपको जो है शाम को 6:30 बजे आप पहुंच गए और रात के 8-9 बजे तक जो है आप बहुत जो है का जो रिहर्सल होता है, मुझे लगता है बहुत अहम हिस्सा है, हर तरह की ट्रेनिंग होती है। तो जिस दिन जो कलाकार एब्सेंट रहता था आप उसकी प्रॉक्सी किया करते थे, तो लगभग हर रोल की प्रॉक्सी करने को मिलती थी। अच्छा, तो इस तरह से जो है थिएटर के प्रति एक मतलब मजा आ रहा था कि मेरी लाइफ में नहीं आई तब तक जो है ऐसा लग रहा था कि मैं तो जिंदगी भर थिएटर करता रहूंगा। लेकिन जो जीवन के स्टेजेज होते हैं उसमें जब फोटोग्राफी आई तो फिर शाम को रोज जो है रिहर्सल में टाइम देना मुश्किल हो गया और थिएटर जो है सेकेंडरी हो गया और फोटोग्राफी पहले उस पे आ गई। और चूंकि जब मैं फोटोग्राफ करता था तो वहां के लोकल अखबारों में मेरी तस्वीरें छपने लगी थी, तो उससे लगता था कि मैं थोड़ा फेमस हो रहा हूँ, तो उसका एक अपना नशा होता है कि आप जो है रोज आपके अखबारों में तस्वीरें छप रही हैं और वहां के इवेंट्स में दिखाई पड़ रहे हैं और जो लोकल लेवल पे सेलिब्रिटी हैं या जो बाहर के सेलिब्रिटी आते हैं उनसे आपकी मुलाकात होती है, आपकी तस्वीरें खींचने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत अलाइवनेस फील होता था। और फिर धीरे धीरे मैं फोटोग्राफर बनना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों ने वो आइडेंटिटी दे दी कि अच्छा फोटोग्राफर आ गया, तो इस तरह से फोटोग्राफी मेरे गले मढ़ दी गई। और बाद में मुझे भी मजा आने लगा क्योंकि उससे जो है जिंदगी के ऐसे लोकेशन पे आप विजिट कर सकते हैं फोटोग्राफी करने के कारण, जहां नॉर्मली आपको जाने को नहीं मिलेगा, मिलने को नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा लोगों को इतने करीब से। तो मुझे याद है कि वाराणसी में जो है क्रिकेट मैच हुआ था है, सुनील, कपिल देव और उस वक्त के सारे क्रिकेट स्टार आए हुए थे और मैं उनको काफी करीब से मैंने देखा, उनके साथ उनकी पार्टी में भी था, उनके पोर्ट्रेट शूट किए। तो ये जो मौका होता है कि जिन लोगों के बीच आप उठना बैठना चाहते हैं, फोटोग्राफी उसका मौका उसने मुझे दिया जिंदगी का। और अगर मेरे हाथ में कैमरा नहीं होता तो शायद जो है मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता कि अंजलि अरोड़ा शो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर, ये फोटोग्राफी की जो आपने बात की है, जैसे कि आपका मैंने प्रोफाइल देखा है कि आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी शूट की है जी, तो सर किसी की डॉक्यूमेंट्री बनाना मतलब उनकी लाइफ स्टोरी बनाना, तो आप इस पे कैसे वर्क करते थे? लाइक सिर्फ एक फोटोग्राफी से तो नहीं होगा, इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी भी चाहिए इसमें बहुत। हाँ, नहीं फिर क्या हुआ कि चूंकि मैं जैसे मैंने बताया कि मैं फोटोग्राफी करते करते अखबारों में मेरी तस्वीरें छपने लगी, तो अखबारों की अपने कॉस्ट कटिंग का तरीका होता है, उनको लगा कि दो व्यक्ति को किसी स्टोरी पर भेजने से अच्छा ये हो कि एक ही व्यक्ति जाए और वो खुद ही लिख दे। तो क्योंकि मैं थोड़ा लिख सकता था तो मैं लिखने भी लगा, तो एक पत्रकारिता भी साथ में जुड़ गई और पत्रकारिता जुड़ी तो लिखना, और वो फिर जो है ये सिलसिला भी काफी लंबे समय तक चला। और चूंकि फोटोग्राफी और राइटिंग में दोनों कर सकता हूं, तो मेरी ट्रेनिंग जो है वो फिल्म मेकर की वहां से शुरू हो गई कि मैं अपने सब्जेक्ट खुद इंटरव्यू कर सकता हूं, खुद बातचीत कर सकता हूं, खुद रिकॉर्डिंग कर सकता हूं, और बाद में कंप्यूटर आने के बाद हम खुद एडिट करने लगे। तो एक तरह से ये पूरी सेल्फ ट्रेनिंग हो गई फिल्म मेकिंग की। और मैं बहुत लकी हूं कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट में जो फोटोग्राफी पढ़ाते थे मिस्टर डीएल बोहरा, वो अभी नहीं रहे, और उनका साथ मिला। हम लोगों ने कैमरा आर्ट सोसाइटी बनाई बनारस में जिसके वो प्रेसिडेंट थे, और उस वक्त जो है हम लोगों ने जो फोटोग्राफी शुरू की और लोगों से जो बातचीत, घूमना फिरना, और बहुत अच्छा साथ मिला। मतलब आप ये समझिए कि मैं बॉम्बे आया और बॉम्बे में जो है मुझे एक असाइनमेंट मिला कि श्याम बेनेगल का इंटरव्यू करना है, तो मैं बड़ा जो है खुश हुआ। और ये हुआ कि उनकी फिल्म आई थी द मेकिंग ऑफ महात्मा, जो महात्मा गांधी के जीवन में, महात्मा गांधी ने जो अपना जीवन साउथ अफ्रीका में बिताया था उस पे वो फिल्म थी, और जिन्होंने असाइनमेंट दिया था उन्होंने कहा कि रवि अगर तुम इंटरव्यू करने वाले हो तो सबसे पहले तुम्हें फिल्म देख लेनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है,
तो उस जमाने में फिल्म रिलीज हुई थी, तो मैंने जाके 9 से 12 वो शो देखा, द मेकिंग ऑफ महात्मा। और अगले दिन सुबह 10 बजे श्याम बाबू को फोन किया, उनका निक नेम श्याम बाबू है, तो श्याम बाबू को फोन किया और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, मुझे आपका इंटरव्यू करना है मेकिंग ऑफ महात्मा के संदर्भ में। तो उन्होंने मुझे 3 बजे का टाइम दिया कि 3 बजे आप आइए हमारे ऑफिस में और मैं आपको 15 मिनट का समय दूंगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास एक छोटा कैसेट रिकॉर्डर हुआ करता था, तो उस कैसेट रिकॉर्डर को लेके मैं पहुंच गया उनके कमरे में, उनके ऑफिस में, और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तो कैसेट की एक साइड भर गई, फिर दूसरी साइड भर गई, वो 15 मिनट का 45 मिनट कब हो गया पता भी नहीं चला। और वो बहुत खुश हुए, फिर उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप और क्या करते हैं। मैंने कहा मैं फोटोग्राफी करता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे फिल्म की स्टिल फोटोग्राफी करेंगे क्या। ओके, तो पहली मुलाकात में जो है, मतलब ये जो मास्टर्स होते हैं ये कैसे आपको परखते हैं और कैसे उनको पता होता है कि किस व्यक्ति से क्या काम लेना है। उसके बाद मैंने उनकी 3 फिल्मों की स्टिल फोटोग्राफी की और आप ये समझ सकती हैं कि जैसे कहां से कहां बात निकल गई। और श्याम बाबू ऐसे फिल्म मेकर हैं कि उनकी फिल्में देख के हम लोग बड़े हुए हैं, आपने भी देखा होगा उनकी अंकुर, निशांत, मंथन, मतलब उस मैंने हरी भरी उनके साथ की थी। शबाना जी उसमें लीड रोल में थी, शबाना आजमी। तो हम लोग 1 महीने साथ में रहे और जैसे वो कोई शॉट लेते थे और कोई सवाल पूछता था, वो उस तो वो टीचर की तरह बताने भी लगते थे कि वो ये क्यों कर रहे हैं, तो उस वो फिल्म में कैसे आएगा। तो ये मेरे लिए एक बड़ा शिफ्ट हुआ अंजलि जी, कि आप एक बार जो है डीएल बोहरा के साथ आप फोटोग्राफी सीख रहे हैं और दूसरी बार फिल्म मेकिंग सीखने के लिए आपके पास श्याम बेनेगल जैसे लोग हैं जो आपको इतना भाव दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी एक्चुअली बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब ये हुआ और उनके साथ मैंने 3 फिल्में की। ये लास्ट फिल्म जो उनकी सुभाष चंद्र बोस पे थी उसका एक हिस्सा मैंने किया था और उसके बाद वो फिल्म शूट के लिए जो है कजाकिस्तान चली गई और वो बहुत कैप्सूल टीम थी, मतलब सबको नहीं ले जा सकते थे, तो उसमें मैं नहीं गया। तो वहां से जो है श्याम बेनेगल की टीम से मैं धीरे से कब बाहर हो गया मुझे भी पता नहीं चला, मैं कुछ अलग चीजों में व्यस्त हो गया, अपनी फिल्में बनाने लगा। और दूसरी बड़ी घटना हुई थी कि जब मैं एक हमारे आर्ट, तब तक मैं आर्ट करने लगा था, चित्रकला भी करने लगा था जी, तो जी। उस वक्त हमारी मुलाकात सुदर्शन शेट्टी से हुई जो बहुत बड़े कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। और मैं उनके स्टूडियो में बैठा हुआ था तो मेरे पास एक फोन आया कि जो है क्या आप 40 दिनों के लिए कल बाहर जा सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या काम क्या है। उनका एमटी रोहित जो है वो अपने टीम यात्रा पे निकल चुकी है, वो लोग बेंगलोर पहुंचेंगे गोवा से कल, और आपको कल गोवा उनको रखना है क्योंकि जो फोटोग्राफी किया था उसको एक दिन में उसको निकाल दिया है। तो अभी इमरजेंसी में वो लोग किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो तुरंत उनको गोवा में ज्वाइन कर ले और मलेशिया तक की यात्रा उनके साथ करनी है और आपका पासपोर्ट तैयार है। तो लकीली दोनों था और मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। और अगले दिन मैंने जाके पासपोर्ट उनको दिया और तुरंत मुझे टिकट मिला और मैं बैंगलोर चला गया। तो वो 40 दिन का ट्रिप जो था वो रोड ट्रिप था जो बैंगलोर से लेके बैंकॉक होते हुए हम लोग मलेशिया तक गए थे। तो वो अद्भुत जर्नी थी, अद्भुत यात्रा थी जिसमें 24 घंटे शूटिंग हुआ करती थी। आपको बीच में समय निकाल के या जर्नी में 2 घंटे सो लिए, 3 घंटे सो लिए, वैसा था। तो अगर आप उतने स्वस्थ नहीं हो, जो मैं पहली अपनी पहली बात पे आता हूँ अंजलि जी, कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं तो आप हाँ करके भी हाँ नहीं कर सकते। आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका बैलेंस, तो आप अपनी सक्सेस के लिए कितना तैयार हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। राइट, जो है आप फिजिकल फिट हो, जब आप मौका मिले तो आप जो है छक्का लगा सके। हाँ जी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी वाला अंदर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये है कि सक्सेस जो है वो आपकी तैयारी है, कि आप जिस चीज की तैयारी करेंगे उस चीज की सक्सेस आपको मिल सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और हॉकी में सक्सेसफुल हो जाए, वो नहीं हो सकता।
है ना। तो जो है ये फॉर्मूला जब पता लग गया कि आप किसी भी चीज में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप अपनी तैयारी करते रहें करते रहें करते रहें, और एक दिन अचानक कुछ ऐसा मौका आएगा कि कोई कहेगा कि आप ये काम कर सकते हो और आप उसके लिए तैयार होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो है जब तबले का असाइनमेंट मिलेगा किसी बड़ी जगह तबला बनाने को बजाने को मिलेगा तब हम तबला सीखना शुरू करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए, पहले से जिस बात की आपका प्रैक्टिस है आपका रियाज है वही उसी काम में आप सक्सेस आपको मिल सकती है। सर ये बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दी, और इवन मैं कहूँ कि अगर जो जैसे आजकल की जो पीढ़ी है देखा जा रही है उनमें पेशेंस की बहुत कमी होती है, लाइक बहुत जल्दी गुस्सा आना या बहुत जल्दी हार मानना, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक उन्हें किस तरह से मन को शांत रखना, कहते हैं ना जैसे सब्र, वो किस तरह से लाना चाहिए? ये बहुत बढ़िया सवाल है। दरअसल जो हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम है अंजलि जी वो हमें जो है जिंदगी जीने के लिए तैयार नहीं करता है, वो हमें नौकर बनाने के लिए ट्रेन करता है। तो मान लीजिए क्या हुआ कि मेरी डॉटर है और मैं उसको कहूं कि बेटा तुम जो है जीवन में कुछ भी कर सकती हो, और वो बैडमिंटन खेलती है और वो जो है उसको पहाड़ पे चढ़ने का शौक है वो कर करते है, और उसके बाद अचानक वो जब युवा भी है शादी की उम्र लायक होते है तो मैं उसको कहूंगा अच्छा चलो अब ये सब छोड़ो और शादी करो शादी करो। तो हमने जो है उसकी ट्रेनिंग तो की कुछ और हम उसको बनाना चाहते हैं हाउसवाइफ, है ना। तो ये जो है ये बहुत बेसिक फॉल्ट है हमारे यहाँ कि हम ट्रेनिंग कुछ और देते हैं और उससे करवाते कुछ करवाना कुछ और चाहते हैं। तो जीवन में सारा स्ट्रेस इस बात से आता है कि आप किस बात की तैयारी कर रहे हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है, जो एज ए पेरेंट आप कितने एजुकेटेड हैं। तो हमको पेरेंट बनने के लिए कोई परीक्षा पास नहीं करनी, और उसके बाद अपनी सारी बीमारियां जो है आप अपने बच्चों को दे देते हैं। आप पेरेंट हो जाते हैं और उसके बाद जब आप जो आते हैं जो आप अपने बच्चों में धीरे धीरे कब ट्रांसफर कर देते हैं उसमें कोई इंटेंशन नहीं होता ट्रांसफर करने का, कोई शिकायत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही सारी जो है चीजें कब बच्चों में आ जाती हैं। और उसके बाद जब आप होता है तो आपने भी ये सुना होगा कि जो है शादी कर दो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी सीख जाएगा। तो आपने जो है ट्रेनिंग किस बात की दी कि जो है आपको ये नहीं बताया गया कि स्वस्थ कैसे रहना है, आपको ये नहीं बताया गया कि अपने दिमाग को कैसे मैनेज करना है, अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना है, अपने बैलेंस को कैसे बना के रखना है, अपना पेशेंस लेवल आपका अटेंशन लेवल क्या है, वो अटेंशन लेवल कैसे आप बढ़ा के रखते हैं, इन चीजों की कोई ट्रेनिंग नहीं। मतलब पलासी का युद्ध कहाँ हुआ, अकबर बादशाह कब आए, ये सब पढ़ने में आपकी सारी जिंदगी लग गई जिसका बाद में कुछ मतलब नहीं है कि आप जो है उसको कैसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीजें अब लाइफ में आ रही हैं, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, पेरेंटिंग का सिस्टम चेंज हो रहा है, पेरेंट जो है अब अपने बच्चों को ज्यादा समय दे रहे हैं। हालांकि वो एक अलग मुश्किल है कि पेरेंट जब अपने बच्चों को ज्यादा समय देते हैं तो वो ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी पसंद नहीं है ना। और हाँ तो अभी मतलब ऐसी तमाम ऑब्जर्वेशन आपके हैं होंगे कि हम लोगों की भाषा शुद्ध नहीं रही, हम ना ही ठीक से बोल सकते हैं ना अंग्रेजी ठीक से बोल सकते हैं। तो ऐसे में आप करना क्या चाहते हैं, आप किस बात की तैयारी कर रहे हैं? मतलब मुझे इस बात को देख के बड़ा अजीब लगता है, एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन नहीं कहूंगा लेकिन अजीब लगता है कि एक जमाने में मतलब आप कैसी भाषा बोलते हैं, आप कितनी सही उर्दू बोलते हैं, कितनी सही हिंदी बोलते हैं, कितनी सही जो भी भाषा है कितना शुद्ध बोलते हैं। अभी आपके अखबार में भी जो है जब न्यूज आती है समाचार आता है तो उसमें भी हिंदी अंग्रेजी शब्द ऐसे मिला के वो लिखने लगे कि जो है भाषा की शुद्धता नहीं होगी तो आपके दिमाग की शुद्धता भी नहीं होगी, और दिमाग की शुद्धता नहीं होगी
तो फिर क्रिएटिविटी का क्या होगा? True. ये सब है, तो मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अंजलि जी कि YouTube है, आप कुछ भी सीख सकते हैं, ये एक गोल्डन एज है सीखने के लिए। हम थोड़ा लेट आया, लेकिन मैंने अपने बच्चों में ये चीज बहुत समय से डाल दी। आपको जान के बड़ा मजा आएगा कि मेरी डॉटर ने जो है गिटार सीखना जो है यूट्यूब से सीखा। अच्छा। वो कभी किसी टीचर के पास नहीं गई और वो बहुत अच्छा गिटार बजाती है। तो दुनिया के बेस्ट टीचर आपके आपको सिखाने के लिए अवेलेबल है। तो अब आप में सीखने का कितना पेशेंस है? तो मुझे लगता है जैसे मैं भी चीजें सीखता रहता हूँ यूट्यूब का, मैं बहुत यूट्यूब भक्त हूँ। तो उसमें क्या है कि आप कुछ सीखिए ना, अब आपके सीखने की कितनी क्षमता है? तो क्योंकि जो व्यक्ति सीखता है वो उसकी एजिंग नहीं होती, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है कितना सीख सकते हैं, कितनी भाषाएं सीख सकते हैं, कितने गेम सीख सकते हैं, कितने ऐप सीख सकते हैं, और जो भी सीख सकते हैं उसको कितना रियाज कर सकते हैं, एंडलेस। तो दिस इज गोल्डन पीरियड है हम इंसानों के लिए कि हम क्या सीख सकते हैं और कितना सीख सकते हैं, और कितने लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, कितने लोगों से मिलजुल सकते हैं, कितने लोगों से बातचीत कर सकते हैं। ना आपको अपने घर से निकलना है, ना मुझे अपने घर से निकलना है, और हम लोग ऐसे बैठ के बातचीत कर सकते हैं। ऐसा ऐसा जो है ऐसा समय जो है इंसानी जीवन में कभी नहीं आया। लेकिन यही चीज को लाइक ये जो वर्चुअल दुनिया बन गई है आजकल, तो 80% सब कुछ वर्चुअल ही हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके लाइक इसके नुकसान भी है, लाइक जो थोड़ी दूरियां हैं वो बढ़ गई हैं, ऐसा लगता है? नहीं 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 नहीं, उसको ऐसे मत देखिए, ये समय की बात है। आप जब भी तुलना करेंगे ना तो गड़बड़ होगा। अच्छा। कल का दिन ज्यादा अच्छा था और आज का दिन ज्यादा खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फोकस हमेशा जिसको आमिर खान ने कहा था ना, ऑल इज वेल, हमको ऑल इज वेल के मोड में रखना है। हमने जहां तुलना किया तो दुखी होना शुरू हुए। हम जब बचपन में थे तो कितना अच्छा था, कुछ काम नहीं करना पड़ता था, घर में बैठे रहो, पिताजी कमा के लाते थे, मजे से हम खाते थे, आहा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस वक्त कितनी जल्दी थी कि हम कितनी जल्दी बड़े हो जाए। क्या हमने बचपन सही में इंजॉय किया? हर वक्त कहा जाता था कि नहीं नहीं ये अभी नहीं कर सकते, ये बड़े होके तो करना। तो अभी बड़े हो गए तो अभी बचपन को रोए बैठ के, क्या बचपन कितना अच्छा था। दिस इज ऑल बुलशिट, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। मुझे लगता है ये सब फालतू बात है। आपके हाथ में जो है, आप जिस चौराहे पर खड़े हैं उस चौराहे पर खड़े होके आप कितना अच्छा कर सकते हैं वो करके दिखाइए। अभी हम ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डिजिटल मीडिया से उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने हम अब आप हैं, वो सीखना नहीं चाहते हैं। जैसे फोटोग्राफी में ये शिफ्ट आया कि पूरा एनालॉग फोटोग्राफी खत्म हो गई और डिजिटल आ गया, तो हमारे बहुत सारे मित्रों ने फोटोग्राफी छोड़ दी, क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार नहीं थे कि अभी कंप्यूटर सीखो, फोटोशॉप सीखो, ऐसा करो वैसा करो। तो वैसा उनको नहीं करना है। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे उस दिन आपकी एजिंग शुरू हो जाएगी, फिर आप ओल्ड मैन हो गए, आप आउट ऑफ डेट हो गए। जो भी कहेगा कि नहीं मैं तो अभी इंटरव्यू देने के लिए आपको आना है तो अपना कैमरा लेके हमारे यहाँ आइए, हम नहीं कर सकते, तो आप उसको अपने अंजलि अरोड़ा शो में थोड़ी बुलाइएगा। आप कहिएगा ठीक है भैया आप अपने घर पे रहिए, जो आएगा हम उससे बात करेंगे। सर ऐसा हो चुका है, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी जी, उनसे उनके मैं कब से उन्हें कह रही थी इंटरव्यू के लिए, एंड ही एग्रीड ऑल्सो ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसे नहीं देना है आप, प्लीज मैं इधर रहता हूँ, आप भी मुंबई में हैं, आप आकर मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। तो जो तो दैट डे आई कैंसल्ड, और मैंने मुझे तो वापस गेस्ट कोई मिल गए। लेकिन मैं ये सोचती रही कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच रही है। आप अभी तक अगर टेक्नोलॉजी नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे, एंड इवन वो सब जानते थे कि ये वर्चुअल होगा। एंड तो मुझे भी उस दिन ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, लाइक वो चाहते ही नहीं है कि नई चीजें सीखे। हाँ, तो जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे उस दिन आपकी यात्रा खत्म हुई जी। उसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए वो लैंडलाइन का जमाना है और आप कहें कि नहीं मुझे लैंडलाइन नहीं रखना, तो कितने लोग आपको आपके घर आके काम दे के जाएंगे, राइट? है ना। तो अभी हम लोग बॉम्बे में इतने दूर दूर रहते हैं,
और आप कहेंगे नहीं नहीं हमें लैंडलाइन नहीं रखना है, आपको हमें मिलना है तो आपको आके मिलना पड़ेगा, तो ठीक है आप अपने घर रहिए। ट्रू, तो ये तो समय के साथ आपको अगर नहीं बदलेंगे तो नहीं बढ़ेंगे, कुछ नहीं हो सकता, आप गेम से आउट हो गए। तो सर जैसे कि दिवाली स्पेशल एपिसोड है, तो मैं आप जिस तरह से मुझे बता रहे हैं, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि ये जो कोरोना टाइम्स की दिवाली है और पहले की जो दिवाली थी, इसमें तो फर्क सब जानते हैं, लेकिन किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना चाहेंगे कि जो आप टेक्नोलॉजी को आप इतनी अप्रिशिएट करते हैं, जैसे अभी कुछ फेस्टिवल है तो हमें बस व्हाट्सएप पे विशिंग मिल जाती है, इवन आजकल तो शादी के कार्ड भी व्हाट्सएप पर ही भेजे जा रहे हैं, तो ये कितना सही है? कितना सही क्या है, जो जो भी अब आप कहिए कि जो है आपको शादी में बुलाना है तो आपको स्कूटर पे बैठ के घर घर जाके कार्ड देना है, वो एक मजबूरी थी जी, वो एक मजबूरी थी कि नहीं हमें तो आप आके कार्ड दोगे तभी। अभी हम आपको मालूम है कि जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब आप तैयार नहीं है, सबके लाइफ के रिदम के साथ नहीं जा रहे। मैं ये नहीं कहता कि मिलना जुलना अच्छी बात नहीं है, अगर आपको मौका मिलता है तो मिलें, बैठें, बातें करें, उसका अपना एक मजा है, और वर्चुअल लाइफ उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, सब्स्टिट्यूट है भी नहीं। लेकिन अगर इसकी वजह से किसी को फायदा हो सकता है, जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटे कनाडा, तो अभी उनको उनसे एक दिन मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब मैं उनको बिल्कुल मिस नहीं करता, क्योंकि मैं तो उनसे कभी भी बात करता हूँ, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो कनाडा में बड़े हो रहे हैं, दादाजी मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को अभी भी बात करते हैं, अभी भी वैसे ही प्यार है, वैसे ही कम्युनिकेशन है। तो अब आप कहें नहीं नहीं हम तो वर्चुअल नहीं बात करेंगे, जब वो कनाडा से यहाँ आएंगे तब हम बात करेंगे, दिस इज इडियोटिक, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। राइट सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। इवन मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे फोटोग्राफी में काफी कुछ हमें सीखना मिलता है, काफी कुछ घूमने, जैसे कि आपने कहा आप काफी जगह जा पाए, तो उस जैसे आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, हर कोई अपने आप को फोटोग्राफर समझता, फिर भी कौन सी एक चीज है बहुत मोबाइल से फोटो खींचने में एंड कैमरा से टोटली प्रोफेशनल वर्क करने में क्या फर्क आप बताना चाहेंगे? बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है। मैं अपने फोटोग्राफी के वर्कशॉप में ये बात करता हूँ कि ज्यादा नहीं, आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले, अगर आपको चित्र बनाना है तो आपको चित्र बनाना सीखना पड़ेगा। राइट, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति चित्र नहीं बना सकता, जिसने जो है मेहनत करके चित्रकला सीखी है चित्र वही बना सकता है। उसके बाद कैमरा आया, उसके बाद मोबाइल आया, तो अब आपको चित्र बनाना सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत बड़ा शिफ्ट है, मतलब हजारों लाखों सालों की ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा वक्त कभी नहीं रहा जब इमेज मेकिंग इतनी आसान है। तो ये हम ह्यूमंस के लिए एक ब्लेसिंग है कि जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास मोबाइल है, आप वो चित्र बना सकते हैं, आप वीडियो कर सकते हैं, आप वीडियो तुरंत शेयर कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, तो इट्स अ ब्लेसिंग। लेकिन अगर आपको बहुत सीरियस फिल्म बनानी है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीरियस फोटोग्राफी करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीरियस चित्र बनाना है आपको सीखना पड़ेगा, आप बाथरूम में गाना गा सकते हैं लेकिन मंच पे गाना गाना है तो सीखना पड़ेगा। सही बात है सर। मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि आप जाने से पहले हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूं कि जो है ये जो हम लोगों का मानव जीवन है वो बहुत प्रेसस है, बहुत बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग जो है इस मानव तन में जी रहे हैं, और अभी अभी कोरोना का लंबा लॉकडाउन का वक्त गुजरा है और अभी हम लोग ये समझ पाए हैं कि जो है अगर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज कुछ है तो वो है स्वस्थ रहना जी। तो सबसे पहले तो हम आप बैठ के बात कर रहे हैं और हमारी ये सुनने वाले हजारों लाखों लोग जो है इसको देख पा रहे हैं,
इसलिए कि वो जिंदा है। True. हम लोग घर में बैठे बैठे हम लोगों ने मृत्यु को इतने करीब से देखा है, तो ये सोचना, ये जानना, इस पर विचार करना जरूरी है कि जीवन में सबसे जरूरी है आपका स्वस्थ रहना। और सबसे जरूरी स्वस्थ रहने के लिए यह है कि आप अपने सिस्टम को कितना समझते हैं, क्या खाने से आप स्वस्थ रहते हैं, क्या खाने से आप अस्वस्थ हो जाते हैं, क्या पढ़ने से आप स्वस्थ रहते हैं, किस तरह की फिल्म देखने से आप स्वस्थ रहते हैं। तो जो आहार है कि क्या खाते हैं, क्या आप देखते हैं, आप कैसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं, इन सब चीजों पर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य जो है इस पर निर्भर करता है। और आज के तारीख में स्वस्थ रहना ही सफलता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी सफलता का कहीं कोई मतलब नहीं। तो ये जो लॉकडाउन हम लोगों ने जो है से गुजरे, वो लॉकडाउन से ने हमारे लिए, हमें ये कहा गया कि जो है ये लॉकडाउन जो है सेलिब्रेट करना है हमें कि हम अपने काम को कितना अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हम कितनी ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं, कितनी ज्यादा फिल्में देख सकते हैं, कितनी ज्यादा लोगों से लंबी लंबी बातें कर सकते हैं फोन पे, जिसके लिए हमें टाइम नहीं था। फिर हमने ट्रैवल करना शुरू किया, तो जिन लोगों के पास जाके, अपने दोस्तों परिचितों के पास हम रह नहीं पाते थे, हम जाके एक एक महीना रहे उनके घर में। और उनके घर में रहने का मतलब कि आप वहां रहिए और वहां भी कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो आप पूरी तरह से उनको समय दे सकते हैं जी। तो इस तरह से इस लॉकडाउन को हमने खूब खूब सेलिब्रेट किया। ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे हमारे मित्र, हमारे परिचित, उनके परिवार के लोग अभी नहीं हैं और इस बीमारी का हिस्सा हो गए, उनको वो जो है गेम से आउट हो गए, लेकिन हम लोग गेम में बने हुए हैं, तो उनके उनके लिए पूरी संवेदना है। लेकिन इसका जो है लेसन भी लेने की जरूरत है कि हम कैसे जो है आनंदित हों। और शाम को, रोज रात को सोने के पहले ये चेक कीजिए कि क्या आज हम कल से ज्यादा खुश हैं, क्या हमारी खुशी बढ़ रही है। अगर आपकी खुशी रोज बढ़ नहीं रही है तो प्रॉब्लम। तो आपको अपने आप को खुश रखना है, आप तो अपने घर परिवार में लोगों को, अगर आप खुश रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए खुश रहना एक डिसीजन है, आप किसी भी परिस्थिति में या तो खुश रह सकते हैं या दुखी रह सकते हैं, तो खुश रहना एक डिसीजन है। और इस दिवाली पर मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे साथ ये डिसीजन लें कि आप खुश रहेंगे। क्या बात है सर। सर मैं जरूर, ये जो आपने लॉकडाउन के समय को भी डिस्क्राइब किया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी टेक्नोलॉजी और लॉकडाउन, आपने नया क्या सीखा सर लॉकडाउन में? दरअसल सीखना तो जो हम नया सीख रहे थे उसी से वक्त नहीं मिलता था। आपको बताऊं अंजलि जी कि सुबह 6:30-7 बजे हमारा दिन शुरू होता है और रात के 2 बजे तक चलता है। अच्छा। और मैं दिन में सोता नहीं। ओके। तो मैं ये तय करता हूँ कि अच्छा ये किया, ये किया, ये किया, बीच में मित्रों के फोन आए, किसी को मना नहीं किया, किसी का फोन लिया ही। 3 से 3.5 घंटे मैं योग करता हूँ, तो उसका पूरा पूरा समय मिला कि आप योग करें, सुबह शाम म्यूजिक सुने, फिल्में देखें। बहुत सारी फिल्में इकट्ठी हो गई थी हार्ड डिस्क में और इस पे OTT पे, हिंदी की फिल्में, इंग्लिश की फिल्में, बांग्ला की फिल्में, मलयालम की फिल्में, तमिल की फिल्में और दूसरी भाषाओं की फिल्में। सारी लैंग्वेजेस आती है? जी नहीं, सबके सब टाइटल होते हैं। वही मैंने कहा कि मलयालम का ना बहुत नहीं नहीं सब नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ बैठ के देखना है, सिनेमा है ना। तो और अच्छी फिल्में अंजलि जी, बुरी फिल्में भी, कि क्या हम बनाएंगे तो क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, वो भी सीखना होता है। तो हम, मैं कैसी भी फिल्म देख सकता हूँ, फिर बाद में सोचेंगे कि वो अच्छी थी कि खराब थी। तो काफी जिंदा दिल इंसान है आप, आपकी बातों से ही पता चल रहा। हाँ तो ये पैशन है ना, अगर आपका जीना ही पैशन हो जाए तो फिर आपको कंप्लेन नहीं करना है, आपको यू हैव टू मेक बेस्ट ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज। और मुझे लगता है कि यही इंटेलिजेंस है, आप यही चैलेंज है हम सारे लोगों के लिए कि कम से कम एक व्यक्ति को अपने जीवन में आप खुश बना सकते हैं और वो हैं आप खुद। दूसरे को खुश करने के चक्कर में तो आप ज्यादा ना ही पढ़े तो अच्छा है। वो पॉसिबल ही नहीं है, हर किसी को हम पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो पॉसिबल नहीं है।
तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका शुक्रिया, और आप ये शो बहुत अच्छा कर रही हैं, और थैंक यू कि आपने मौका दिया, क्योंकि मैं ऐसा कोई सेलिब्रिटी और ऐसा कुछ तो नहीं हूँ। हमारे शो पर आकर खुशी हुई कि नहीं, मैं वो जानना चाहूंगी। वो खुशी तो हमारा डिसीजन है ना। ट्रू। नहीं, मुझे आपसे परिचय हुआ, आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत आनंद आया। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके दर्शकों को भी। और मैंने देखा कि आप अभिनय भी करती हैं, तो मुझे मुझे उम्मीद है कि आप जो है अभिनेत्री के रूप में भी जो है कुछ और काम करें, बेहतर काम करें, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको देखना एक अभिनेत्री के रूप में भी। और सर कोशिश और जारी। जी 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 सर, थैंक यू सो मच सर हमारे शो पर आने के लिए, और स्पेशली हमारे साथ यहाँ दिवाली मनाने आने के लिए। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। फ्रेंड्स, जैसे कि रविशेखर जी ने भी कहा कि हाँ, हमें हर दिन बेहतर जीना है और खुश रहना है। ये मैंने तो आपको हमेशा से कहती हूँ कि ये जो स्माइल है वो बहुत मैटर करती है, कि आप बस एक स्माइल करके किसी को देख लीजिए, बस दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। तो चलिए, जाती हूँ मैं, और आई एम होप कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी जा रही है। इसी तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे पेज को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा नए नए पैशनेट लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और आप तो जानते ही हैं कि द अंजलि अरोड़ा टॉक शो जो मेरा एक कहते हैं ना जुनून है, ये मेरा पैशन है, तो इसलिए ये कभी रुकने नहीं वाला है, ये चलता ही रहेगा इसी तरह। चलिए, जाती हूँ मैं, फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ, और करेंगे हम बातें उनकी जिनकी क्या बात है। बाय बाय।